मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश यादव पहली बार पहुंचे वृंदावन, परिवार के साथ किए बांके बिहारी के दर्शन। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। चुनाव आयोग की गुजरात पहेली, आखिर क्यों नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश के साथ तारीखों का ऐलान। अगले 25 सालों में कैसी होगी देश की आंतरिक सुरक्षा, अमित शाह फरीदाबाद में करेंगे गृह मंत्रियों के साथ बैठक। देश आज मना रहा शौर्य दिवस, श्रीनगर में दोहराया जाएगा 1947 का इतिहास, राजनाथ सिंह बनेंगे साक्षी। डेंगू का कहर जारी, छठ में डराने लगा कोरोना, आज से पटना के स्टेशनों पर प्रवासी यात्रियों की जांच होगी। बगावत थामने में नाकाम रही बीजेपी, नामांकन के अंतिम दिन भी चार बड़े नेता हुए बागी। हेमंत सोरेन के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील राजीव कुमार मुश्किल में, अमित अग्रवाल पर 29 अक्टूबर को फैसला। एयरपोर्ट से नोएडा जा रहे बसपा के पूर्व विधायक को कैब चालकों ने पीटा, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। फंडिंग को लेकर पहली बार प्रशांत किशोर ने किया खुलासा, कहा पदयात्रा अभियान के लिए पूर्व ग्राहकों से ले रहा हूं वित्तीय सहायता। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर